एक तरफ सरकार प्रत्येक परिवारों को 100 दिन रोजगार देने की बात कर रही है और 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान करने के दावा करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव में ही रोजगार के भरोसे रहने वाले इन गरीब परिवारों को 9 माह बीत जाने के बाद भी आज तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया है। ये जो सीसी रोड जो बना है, इसमें आप कितने दिन काम किए हैं? 14 दिन। इसका भुगतान हो गया? हाँ, नहीं भैया। जैसे भुगतान नहीं हुआ है तो आपका परिवार का गुजारा कैसे चलता है? कैसे चलते हैं? जाते हैं जबलपुर, वहाँ से लाते हैं तब बाल बच्चा पालते हैं। वहाँ कितना पैसा बचा लेते हो जबलपुर जाते हो काम करने के? कितना बचाते हैं? अब लाख लाख भाई पोषण पालन करते हैं, कितना बचे। आपके यहाँ जो आदिवासी बस्ती विकास योजना के तहत जो सीसी रोड बना था जी, उसका भुगतान हो गया है क्या? हमारे यहाँ जितने भी मजदूर हैं उनका खाता के चलते अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उसमें क्या है कि जो 16 डिजिट का खाता खुलता है ये ग्रामीण बैंक का, उसमें जो पंचायत दर्पण में चल रहा है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। वो भोपाल से जैसे सीओ साहब से भी पता किए तो सीओ साहब बोला था कि मैं इसका सॉल्व के लिए मैं भोपाल में लेटर भिजवा दिया हूँ, इसके बाद पेमेंट हो जाएगा। दीदी, आपके यहाँ जो सीसी रोड बना था उसके 9 महीने से भुगतान नहीं हुआ था, आप लोगों ने क्या किया तब ये बदलाव आया है, बताइए। सरोज भाई से वीडियो बनवाए, वहाँ सचिव सरपंच से बोले तो हुआ है भुगतान। जैसे इस बदलाव के लिए आपने क्या प्रोसेस किया था, कहाँ कहाँ गए थे आप? इसके लिए मैं सबसे पहले सीओ साहब के यहाँ गए थे, सरपंच महोदय के साथ। तो सीओ साहब ने बोला कि आप जैसे जिस मजदूर खाते में नहीं गया है, तो सीओ साहब ने बोला कि एक पहले स्टेटमेंट निकलवाइए। स्टेटमेंट निकलवाने के बाद सबसे पहले तो वेंडर बनाया सभी लोगों का, और वेंडर बना के सभी का भुगतान किया, उसमें से बैंक में जमा किया। जमा करने के बाद उनके खातों में आना शुरू हुआ है। तो देखा आपने कैसे मिलकर प्रयास करने से समस्या का निराकरण होता है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम पंचायत परियमाल, विकास खंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।